कहा जाता है कि रामनवमी के दिन रामायण ग्रंथ का पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं और इच्छा तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, भय रोग भी दूर हो जाते हैं और धन की कामना रखने वालों को धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए काफी लोग रामनवमी के दिन अपने घरों में, ऑफिस में रामायण ग्रंथ का पाठ करवाते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि आकर्षित हो सके। लेकिन काफी बार संपूर्ण रामायण का पाठ करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आप रामायण की केवल इन चौपाई का जाप भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आकर्षित होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि कौन सी चौपाई रामनवमी के दिन जाप करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। जो लोग नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दें, जिससे सभी वीडियो उनको सबसे पहले मिल सके। श्री रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाई का वर्णन आता है जिनके पाठ से और जाप से मनुष्य जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि रामनवमी के दिन जो भी व्यक्ति संपूर्ण रामायण का सच्चे मन से जाप करता है, पाठ करता है, तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप संपूर्ण रामायण का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप इन चौपाई का जाप भी कर सकते हैं। यह चौपाई भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और चमत्कारिक मानी जाती है। तो आइए जानते हैं इन चौपाई के बारे में कि किस प्रकार आप रामनवमी का भरपूर लाभ उठाकर अपने जीवन में सुख और समृद्धि आकर्षित कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, जितनी भी चौपाई हम आपको बताएंगे यह आपको रामनवमी के दिन यानी के 13 अप्रैल को जाप करनी है। इस बार रामनवमी 13 अप्रैल को है और आपको इन चौपाई का कम से कम एक माला यानी कि 108 बार इस दिन जाप करना है। अगर आपकी समस्या बहुत बड़ी है और आप बहुत ही जल्दी मनोकामना अपनी पूरी करना चाहते हैं तो आपको 11 माला इस दिन जाप करना चाहिए। सबसे पहली चौपाई है मनोकामना पूर्ति के लिए और आपके कार्य से सभी बाधाओं को दूर करने के लिए। यह चौपाई इस प्रकार है, ध्यान से सुने और इसको लिख कर रख लें, जिससे आप रामनवमी के दिन इसका जाप कर सकें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाही। इस चौपाई का जाप आप रामनवमी के दिन कम से कम 108 बार करें। इस चौपाई का जाप आप रामनवमी के दिन कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपके कार्य में आ रही बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। दूसरी चौपाई है मन से डर निकालने के लिए और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़व निहारी। तीसरी चौपाई है विपत्ति नाश करने के लिए। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई विपत्ति है जहां आप बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए हैं और अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं तो आप रामायण की इस चमत्कारिक चौपाई का जाप कर देखें, क्योंकि इससे मिलने वाले लाभ आपको खुद ही हैरान कर देंगे। यह चौपाई इस प्रकार है, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भजन सुखदायक। चौथी चौपाई है धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग नहीं बन पाते हैं तो आप रामनवमी के दिन इस चौपाई का जाप करें। यह चौपाई इस प्रकार है, जे सकाम नर सुनही जे गावी, सुख संपत्ति नाना विधि पावी। पांचवी चौपाई रामायण की, जो कि बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है, शत्रु से मुक्ति प्राप्ति के लिए। यह चौपाई इस प्रकार है, बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इस चौपाई का जाप आप शत्रु नाश के लिए कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है तो आप इस चौपाई का जाप करें। ऐसा करने से उस शत्रु का मन बदलता है और वह आपको फिर परेशान नहीं करता है। तो रामनवमी के दिन आप इन सभी चौपाई का पाठ कर सकते हैं। कम से कम 108 बार आपको जाप जरूर करना चाहिए। रामनवमी के दिन भगवान राम की और भगवान हनुमान की शक्ति को जन जन तक फैलाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि को आकर्षित कर सकें। और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।